हाँ आज हम लोग गेट सटा दो गुड मॉर्निंग गेट गेट को लॉक करो हेलो आज हम लोग शुभम टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक डेटा फ्लो डायग्राम डेटा फ्लो डायग्राम डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जैसे आप फ्लो चार्ट क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसी तरह डेटा फ्लो डायग्राम क्या है ये फुल्ली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप इनपुट कैसे लेते हैं आउटपुट कैसे लेते प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट करते सब क्या है एक फ्लो है तो डेटा फ्लो डायग्राम का मतलब आपका डेटा कैसे फ्लो करेगा हाउ योर डेटा विल बी फ्लो तो डेटा तो फ्लो करेगा ही जैसे ही हम वेब एप्लीकेशन पे एक पेज भरते हैं सबमिट करते हैं या फेसबुक पे यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं लॉगिन करते हैं तो आपका डेटा फ्लो करता है तब तो जाके पेज ओपन होता है अगर आप रॉन्ग आईडी और पासवर्ड डाल दोगे तो क्या पेज ओपन होता है आप जीमेल खोलना चाह रहे हो बैंक का ऑनलाइन एप्लीकेशन खोलना चाह रहे हो या मोबाइल का पासवर्ड भूल गए कंप्यूटर का पासवर्ड भूल गए तो खुलता है आसानी से उसको ब्रेक करना पड़ता है फिर तो क्या है यूजिंग यूजर आईडी और यूजिंग पासवर्ड व्हाट वी आर डूइंग वी आर इंटरेक्टिंग विथ आवर वी आर इंटरेक्टिंग विथ आवर एप्लीकेशन तो डीएफटी में क्या है कि सब कुछ ग्राफिकली है इनपुट इनपुट भी ग्राफिकली आउटपुट भी ग्राफिकली प्रोसेस भी ग्राफिकली और आप जानते होंगे उप्स का कंसेप्ट की उप्स का कंसेप्ट आप लोग पढ़े होंगे कि सारा चीज क्लास ऑब्जेक्ट मेथड फंक्शन के आधार पे होता है तो सारे का जो रिलेशनशिप हम बिल्डअप करते हैं प्रोग्रामिंग करने से पहले हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन तक करते हैं ताकि डायग्रामेटिकली कहा जाता है कि एन इमेज और ए पिक्चर कैन गिव यू नॉलेज 15 टाइम्स मोर देन टेक्स्ट मैसेज आपके पास कोई टेक्स्ट मैसेज है तो आपको उतना नॉलेज नहीं गेन होगा अगर आपके पास ग्राफिकल या इमेज है या मूविंग मोशन वीडियो है तो आप जल्दी से कोई चीज को समझते हैं छोटा बच्चा भी समझता है और बड़ा आदमी भी समझता है कि नहीं आप एक कैट की कैट किसी बच्चे को बोलो बिल्ली ऐसी होती है ही हैज फोर लेग्स शी हैज फोर लेग्स डॉग गाय ऐसा होता है ऑक्स ऐसा होता है भैंस ऐसा होता है वो समझने में अब टेक्स्ट में खूब लिख दो लेकिन अगर एक बार दिखा दोगे दो बार दिखा दोगे चार बार उसको दिखा दोगे तो कभी नहीं भूलेगा तो इसमें क्या करते हैं डीएफटी में क्या करते हैं हम लोग कि सारा इनपुट आउटपुट प्रोसेस ऑब्जेक्ट क्लास फंक्शन सबके रिलेशनशिप को हम लोग डायग्रामेटिकली दिखाते हैं इसमें होता है पैरेललोग्राम बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स डायमंड लिखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी लिखिए डेटा फ्लो डायग्रामों में दिखा दूंगा सभी इमेज तो इमेज जरूर जानना चाहिए एग्जाम में इमेज लिखोगे तो नंबर अपने आप मिलेगा लिखिए डेटा फ्लो डायग्राम पेन पेपर दिखा लो सृजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी लिखिएगा डेटा फ्लो डायग्राम का डिफिनेशन लिखिए डायग्राम जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं
डीएफडी और एक चीज या डायग्राम सुने कि आप लोग नाम पाइथन पढ़ रहे हो नहीं सुने कैसे डेटाबेस पढ़े हो थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़े हो तब तो नहीं जानते हो लिखो ए डेटा फ्लो डायग्राम इज ए डेटा फ्लो डायग्राम इज ए डेटा फ्लो डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी डेटा फ्लो डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी फ्लो ऑफ डेटा थ्रू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम flow of the data through an information system for DFDs data flow diagram DFDs can also be used DFDs can also be used for the visualization of data processing DFDs can also be used DFDs can also be used for the visualization of data processing. देखो इसमें क्या होता है DFD के अंदर सब कुछ ग्राफिकल रहता है सब चीज के लिए बॉक्स बना हुआ है सब चीज के लिए क्या है बॉक्स बना है चाहे वो रेक्टेंगुलर बॉक्स हो रोम्बस बॉक्स हो दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशनशिप डेवलप हो दो ऑब्जेक्ट जैसे आप एक रिलेशनशिप बना रहे हैं जैसे दो टेबल है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट जैसे एक बैंक है स्टेट बैंक एक है लेकिन स्टेट बैंक में क्या एक ही डिपार्टमेंट होता है उसमें कैश भी होता है गोल्ड डिपार्टमेंट भी है लोन डिपार्टमेंट भी है डिपोजिट अकाउंट भी है चेक क्लियरेंस डिपार्टमेंट भी है तो लेकिन सब लोग कैसे एक दूसरे को जानते हैं थ्रू आउट इंडिया आईडीज के थ्रू हर इम्प्लॉय की आईडी अलग अलग होती है हर इम्प्लॉय एक ही बैंक में मान लीजिए पटना का लोकल हेड ऑफिस है मान लीजिए 100 लोग काम करते हो लेकिन हर आदमी की अपनी आईडी अलग अलग हो सकती है हो सकता है दो इम्प्लॉय तीन इम्प्लॉय चार इम्प्लॉय का नाम एक जैसा हो सकता है फादर्स नेम भी मैच कर जाए कर सकता है कि नहीं बट आईडी शुड बी यूनिक क्यों रखा जाता ताकि डेटा को एक्सेसिंग करने में डेटा एक्सेस करने में आसानी हो तो डीएफडी में क्या करते हैं हम लोग कि सारा इनपुट इसमें कितने इनपुट के लिए बना लिए इसमें प्रोसेस क्या क्या होगा इसमें प्रोसेसिंग कैसे होगा इसमें कंडीशन क्या होगा ट्रू फॉल्स क्या होगा सारी चीज को एक तरीके से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे जैसे दो नंबर ले लिए एक एज ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए तो उसका भी हम लोग कंडीशन चेक करेंगे ग्राफिकली इससे फायदा क्या होता जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट करते हैं जब एक से ज्यादा टेबल एक दूसरे से रिलेशनशिप जनरेट करता है जैसे हॉस्पिटल की बात करो हॉस्पिटल से रिलेटेड पेशेंट भी है हॉस्पिटल से रिलेटेड मेडिसिन भी है हॉस्पिटल से रिलेटेड डॉक्टर भी है हॉस्पिटल से रिलेटेड नर्स भी है हॉस्पिटल से रिलेटेड डिपार्टमेंट भी है बराबर जैसे एम्स जैसा हॉस्पिटल है उसमें 50-60 डिपार्टमेंट है स्पेशलाइजेशन का 50-60 डिपार्टमेंट कॉलेज भी है बच्चे भी पढ़ रहे हैं लैब भी है तो सब लोगों को एक डायग्राम के द्वारा जोड़ना जिसको ईआर डायग्राम से हम जोड़ते हैं दैट इज नॉट एन इजी टास्क आप जब कंपनी में पहुंचोगे तो ईआर डायग्राम डीएफडी जिसको अच्छा बनाने आ जाएगा सीख जाता है जो बनाते बनाते उसकी पैकेज बहुत हाईफाई मिलती है क्योंकि जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होता है उसी डीएफडी बना के देख देख कर करता है अच्छा डेटा इनपुट में
इस टेक्स्ट बॉक्स में डेटा आया, अब सेकंड में डेटा कहाँ जाएगा, इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या जाएगा, इस ईमेल आईडी में कैसा डेटा जाएगा, इस इमेज वाले में कैसा डेटा जाएगा। तो जो कंटेंट प्रोवाइडर है वो डेटा फ्लो डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। लिखो एक इसी में लिखो ए डी एफ डी, लिखो ऑनलाइन ए डी एफ डी प्रोवाइड्स, ए डी एफ डी प्रोवाइड्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइमिंग ऑफ प्रोसेसेज, ए डी एफ डी प्रोवाइड्स नो इंफॉर्मेशन एनओ नो इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइमिंग ऑफ प्रोसेसेज, ए डी एफ डी प्रोवाइड्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइमिंग ऑफ प्रोसेसेज कॉमा or about whether 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 processes bill operate in sequence or in parallel, जैसे तुम लोगों ने पाइथन पढ़ रखी है, पाइथन में इफ लगा के भी हम चेक करते हैं, इफ एल्स एट एलिफ 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 करके, ये हुआ सीक्वेंस ऑफ अ स्टेटमेंट, इफ एल्स एलिफ 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 एल्स, ये क्या हुआ सीक्वेंस ऑफ अ स्टेटमेंट। लिस्ट पढ़े हो कि नहीं तुम लोग, लिस्ट में क्या है एक ही लाइन में हम कंडीशन लिख दिए, इफ एक्स इज डिवाइडेड बाय टू नंबर इज ऑड और इवन, एक लाइन में लिखाता है लिस्ट का, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का जो कोडिंग करते हैं उसमें ज्यादा कंडीशन हम नहीं लगाते, विद इन ए सिंगल लाइन, मतलब लाइन को कॉन्साइज कर लेते हैं, लाइन को कॉन्साइज कर लेते हैं, वो पैरेलल एग्जीक्यूशन हो गया, वो क्या हो गया पैरेलल एग्जीक्यूशन, और जिसमें सीक्वेंस पे सीक्वेंस बनता चला गया कंडीशन का, वो क्या हो गया, जैसे एक प्रोग्राम आ गया, जैसे ये नंबर ऑड है या इवन है, जब हम पाइथन में करेंगे तो देखेंगे नंबर इज डिवाइडेड बाय 202468 तो नंबर इवन है, ऑड है जिसके लास्ट में 02468 ना हो वो इवन है, तो इसमें सीक्वेंस लगा इफ एल्स, और लिस्ट कंप्रेंशन में करेंगे इफ डिवाइडेड बाय दिस तो ऑड अदरवाइज इवन, तो लिस्ट कंप्रेंशन क्या किया लाइन ऑफ कॉन्साइज ऑफ कोड कर गया, कॉन्साइज ऑफ कोड कर गया, या जैसे लैम्डा फंक्शन है कॉन्साइज ऑफ कोड है, लैम्डा फंक्शन में क्या करते हैं पाइथन में, लैम्डा फंक्शन का लैम्डा फंक्शन क्या कहता है पाइथन में, क्या करना चाहता है, जैसे आपसे कोई पूछे कि लैम्डा फंक्शन का क्या रोल होता है पाइथन में, क्या बताएंगे लैम्डा फंक्शन का पाइथन में क्या रोल है आप बताओ, शॉर्ट करता है, कॉन्साइज किया ना, लैम्डा फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन, इस क्लास में इतने बच्चे बैठे हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैम्डा फंक्शन एंड पाइथन फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन इन पाइथन बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे, पढ़ रहे हो रेगुलर, क्लास चल रही है अभी उसकी, पाइथन चल रहा है शायद, नहीं पाइथन पढ़े हो एड ऑन में पढ़े हो ना, तो नॉर्मल क्या है बताओ चंद्रभूषण, आप बताइए लैम्डा फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में क्या अंतर है पाइथन में, एक चीज जैसे आपको मैं बताता हूँ जीवन भर नहीं भूलूंगा, हाँ लैम्डा फंक्शन जो पाइथन में होता है वो अननेम्ड होता है, उसका नाम नहीं होता है, एनोनोमस जिसको बोल सकते हैं, एनोनोमस फंक्शन बोल सकते हैं, और पाइथन के सारे फंक्शन जो हैं उसका नाम
होता है, उसका नाम होता है। लैम्डा में डेफ कीवर्ड लगाते हैं कि नहीं? यस नहीं नहीं लगाते। लैम्डा फंक्शन जब हम पाइथन का बनाते हैं तो डेफ कीवर्ड का यूज नहीं करते, नॉर्मल फंक्शन का यूज करते हैं। एक लैम्डा फंक्शन का लाइव एग्जांपल तुम लोग बताओ जो रियल लाइफ में होता है। हम बस में चढ़ते हैं, हम बस में चढ़ते हैं क्या, कंडक्टर से पूछ, कंडक्टर हमको टिकट दिया, हम टिकट लिए और अपने गंतव्य को पहुंच गए, क्या हम पूछते हैं कंडक्टर साहब आपका घर कहाँ है, या कंडक्टर पूछता है कि आपका घर कहाँ है, रिटर्न टाइप क्या है। लैम्डा का मतलब है यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। बाकी फंक्शन में आपको डेफ कीवर्ड लगाते हैं, मतलब ये फंक्शन बन रहा है, डेफ कीवर्ड लगा दिए मतलब इसका फंक्शन का नाम होगा, रिटर्न टाइप होगा। अगर कुछ रिटर्न टाइप पाइथन बता रहे हो, जल्दी बताओ, अगर पाइथन में कुछ रिटर्न टाइप नहीं दिया हुआ है, रिटर्न ना फंक्शन का नेम है, ना वेरिएबल का नेम है, ना कुछ है, तो क्या रिटर्न टाइप करता है फंक्शन पाइथन के अंदर? क्या करता है आप लोग बताइए, उसने बताया अपनी बात रखी, आप लोग बताइए। नन, यन ओ यन ई, पाइथन में अगर रिटर्न टाइप कुछ नहीं है तो समझिए नन तो है ही, ठीक है। तो सीक्वेंस और पैरेलल में अंतर समझ गए, सीक्वेंस और पैरेलल। सीक्वेंस मतलब इफ एल्स एलिफ कंडीशन, पैरेलल मतलब एक ही लाइन में लाइन कॉम्प्रेहेंशन बोलते हैं, लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन जो बोलते हैं, लिखो फुल स्टॉप। इट इज देयर फोर quite different from a flow chart. It is therefore quite मतलब थोड़ा बहुत, it is therefore quite different from a flow chart. It is therefore quite different from a इसमें लिखवा रहे हैं it is therefore quite different from a flow chart पढ़े नहीं हो क्या फंडामेंटल में? लिखिए फ्लो चार्ट कॉमा, फ्लो चार्ट क्या करता है? अच्छा ठीक है, फ्लो चार्ट क्या करता है ये बताओ, तुम तो पढ़े हो तो ये सब डिस्कस करते रहो, चले जाओ एग्जाम में एकदम धुआंधार नंबर आएगा सबको, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये भी करता, तुम्हारी बात है कि फ्लो चार्ट भी करता तुमने बोला, तो डिफरेंट क्या, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच? यस, उसमें एल्गोरिदम, वी आर राइटिंग एल्गोरिदम, एल्गोरिदम फ्लो कर रहा है, कंट्रोल ऑफ स्टेटमेंट फ्लो कर रहा है, इसमें डेटा फ्लो कर रहा है, इसमें डेटा फ्लो करा, लिखो कॉमा, ये सब चीज डिस्कस करते जाओ एग्जाम धुआंधार होगा। हाँ पहले सिलेबस तो निपटने दो। फ्लो चार्ट कॉमा विच शोज द, विच शोज एस एच ओ डब्ल्यू एस, विच शोज द फ्लो ऑफ कंट्रोल, विच शोज द फ्लो ऑफ कंट्रोल, बातचीत नहीं, विच शोज द फ्लो ऑफ कंट्रोल थ्रू एन एल्गोरिदम, थ्रू एन एल्गोरिदम कॉमा, थ्रू एन एल्गोरिदम कॉमा एलोइंग ए डब्ल एल ओ डब्ल्यू आई एन जी, एलोइंग ए रीडर, बातचीत नहीं, एलोइंग ए रीडर टू डिटरमाइन, allowing a reader to determine what operations will be performed comma in what order and what circumstances, what and in what order and under what circumstances,
सर्कमस्टांसेस का मतलब परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस कॉमा बट नॉट, छूट रहा है क्या तुम्हारा, बट नॉट व्हाट काइंड्स ऑफ डेटा विल बी, बट नॉट व्हाट काइंड्स ऑफ डेटा विल बी इनपुट टू, विल बी इनपुट टू एंड आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम, इनपुट टू एंड आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम कॉमा फ्रॉम द सिस्टम कॉमा आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम लिख लिए कॉमा नॉर वेयर द डेटा विल कम फ्रॉम नॉर एन ओ आर नॉर वेयर द डेटा विल कम फ्रॉम एंड गो टू नॉर द डेटा नॉर वेयर द डेटा विल कम फ्रॉम एंड गो टू go to comma nor where the data will be stored nor where the data will be stored इसमें ही होगा कि सारी चीजें डेटा का फ्लो आपको कैच करना, डेटा स्टोर कहां होगा उससे मतलब नहीं, डेटा ऑपरेशन क्या होगा मतलब डेटा क्या होगा कैसा होगा डेटा कहाँ स्टोर होगा इससे मतलब ज्यादा नहीं होगा, डेटा परफॉर्म क्या करेगा, डेटा कंडीशन क्या चेक करेगा, डेटा का कंडीशन कैसा होगा, जैसे आपको एक डीएफटी बता रहा हूँ, जैसे एक मैंगो है, आपने एक मैंगो को इनपुट के तौर पे लिया, यू डोंट नो दिस मैंगो इज सावर और स्वीट, आपको पता है दूर से देखते जब तक उसको काटे उसको स्लाइसिंग किए आपने खाया, आफ्टर टेस्टिंग यू विल डिसाइड दैट दिस मैंगो इज सावर और स्वीट, दिस इज ए कंडीशन, दिस इज ए कंडीशन। जैसे आप लोग से मैं पूछ रहा हूं, जैसे कोई लीप ईयर का क्या कंडीशन, मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वो बताएगा सृजन कि लीप ईयर का क्या कंडीशन होता, और आप बताइए व्हाट इज द कंडीशन ऑफ लीप ईयर, केवल फोर से डिविजिबल हो, राइट कंडीशन, फिर से बोलो पूरे बच्चे सुन लेंगे, या तो 4 से डिविजिबल हो और 100 से ना, या तो 400 फिर से बोलो, हाँ बोलो कोई दिक्कत, 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल और 100 से डिविजिबल नहीं होता, या फिर 400 से डिविजिबल, तीन कंडीशन है। तो आप मान लीजिए लीप ईयर का कंडीशन आया, तो इफ दिस डिवाइड बाय दिस एल्स एलिफ हुआ, तो इसी को लीप ईयर का कंडीशन ये हुआ। जैसे उसी तरीके से हम हर चीज का कंडीशन निकालते हैं कि यहां से सन की दूरी क्या है, यहां से मून की दूरी क्या है, यहां से प्लैनेट्स की दूरी क्या है, तो सब प्रोग्रामिंग के थ्रू हम आज आप दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड किस चीज की है, किस चीज की है, स्पीड ऑफ लाइट कितना है, कितना है, लाख में बताओ मैं, तो तुम शॉर्टकट लगा के हमें जोड़ने में समय मेरा निकल जाएगा, एक लाख 86,000 किलोमीटर प्रति घंटा या प्रति मील है, ये मैं भूल रहा हूँ, पर मिनट 186,000
मीटर में वो बोल रहा, मैं किलोमीटर बोला। हाँ तो उनको मिल तो हाँ, अब सुनो, अब लिखो ओवर व्यू ऑफ डीएफडी। अच्छा मैं पूछता हूँ जिससे पूछूंगा, ओवर व्यू ऑफ डीएफडी। हाँ पहले एक लॉजिक पूछता हूँ, पीछे मोबाइल देख के कोई नहीं बताएगा, सुबह मोबाइल नहीं देख के प्राइम नंबर का लॉजिक बताओ। मोबाइल नहीं देखना है, नकल नहीं करनी है। क्या बोलते हो, कुछ तो ध्यान रखो। तो क्या टू इज ए प्राइम नंबर और नॉट, टू इज ए प्राइम नंबर और नॉट? अब लिखो ओवर व्यू ऑफ, एक हैप्पी नंबर के बारे में सुनो आप लोग। हैप्पी नंबर देखना नेट पे सर्च करना, टाइम मिले तो परमासी की जगह ही कर। हैप्पी एच ए डबल पी वाई हैप्पी नंबर देखना, उसके बाद बताएंगे हम। मोबाइल पे जो टाइम बर्बाद करते हो उसे बढ़िया देखना। ओवर व्यू ऑफ डीएफडी लिखिए अब, ऑनलाइन बच्चे ओवर व्यू ऑफ डीएफडी। इट इज कॉमन प्रैक्टिस, लिखो इट इज कॉमन प्रैक्टिस ओवर व्यू ऑफ डीएफडी। इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस टू ड्रॉ ए इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू ड्रॉ ए कॉन्टेक्स्ट लेवल डेटा फ्लो। It is common practice to draw a context level data flow diagram. Context level का क्या मतलब समझते आप लोग? Context, context, context level क्या होता है? Context level क्या होता है? Context level क्या होता है बताओ? नहीं, context level ये होता है कि काफी सारी प्रोसेसेज हैं, काफी सारी, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, एक प्रोसेस है दूसरे प्रोसेस, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे प्रोसेस, जो स्विचिंग होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच करता है प्रोसेस को, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट लेवल डेटा फ्लो डायग्राम फर्स्ट लिख लिए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इट इज कॉमन प्रैक्टिस, हाँ बातचीत नहीं करो, इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू ड्रॉ ए कॉन्टेक्स्ट लेवल डेटा फ्लो डायग्राम फर्स्ट कॉमा विच शोज द इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम which shows SHOWS which shows the interaction between the system and external agents which shows the interaction between the system and external agents. External agent ka matlab, very good, system and external agents which acts as data sources, which act as data sources and data links, which acts as data sources and data links, links. देखो on the context diagram, full stop ke baad likhega, on the context diagram the system's interaction with the on the context diagram
the system interaction with the outside world, with the outside world are modeled world are modeled modeled are modeled purely are modeled purely in terms of data flows across the system boundary full stop. The context diagram shows the entire system. The context diagram shows the entire system as a single process. The context diagram shows the entire system as a single process, comma. The context diagram shows the entire system matlab input output process as a single process, entire system as a single process, comma, and gives no clues as to its internal organization. Single process, comma, and gives no clues as to its internal organizations. And gives no clues as to its internal organization. DFD में आपको जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लू है, जो कमी खामी मेरिट्स डिमेरिट्स उसको बताया नहीं जाता है, उसको बताया बाहर के लोगों को, अंदर के लोगों को तो पता चल जाती है चीजें. आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हो तो क्या बाहर के क्लाइंट को बता दो कि हमारे पास पाइथन के इंजीनियर ही नहीं है, डेटाबेस के इंजीनियर ही नहीं है, तो आपको टास्क रिस्पॉन्स छीन लेगा, आपका नुकसान पहले ही हो गया, जतरा ही खराब है, बोनी खराब इसको बोलेंगे. तो आप बहुत चीजें हैं जो उसको हाइड कर देते हो, कॉम्प्लेक्सिटी को छिपा देते हो, फिर बाद में रिक्रूटमेंट करते हो कि भाई पाइथन का चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. अगर नहीं और बड़ी कंपनी से इंफोसिस टीसीएस उनके पास तो कोई कमी ही नहीं है इंजीनियर की, चाहे जिसकी भी है कि नहीं. हाँ ठीक है, तो तुम ज्वाइन हो जाओ तबरेज, अटेंडेंस लो, फिर आज ऑनलाइन बनाने का हम लोग को मिला है, ऑनलाइन ही बनाइए बच्चों को. लो ना अमन कुमार, अभी एक बच्चा कौन है अमन कुमार, 20 सिंसियर नहीं है क्या तबरे, चलो जल्दी हम लोग को अटेंडेंस अब क्लास में बनाना है. 15 नहीं आया सर. नहीं है, आप ले लिए. हाँ हो गया, हो रहा है. यहाँ से नहीं आवाज आ रहा है. हाँ आ गया. चलो क्लास में कितने बच्चे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8. स्क्रीन शॉट लो, फिर हम बनाएंगे यहाँ पर तुम्हारे सामने. अच्छा एक मिनट ले लिए तो. ये क्वेश्चन आएगा डीएफडी से, इजी क्वेश्चन है ये सब्जेक्ट. उधर शुक्ला सर को बोल दियो, क्या हम करवाते हैं क्वेश्चन.
50 क्वेश्चन पढ़ो उतना पार उतना संभव है? 50 क्वेश्चन में तो टॉप कर जाओगे यूनिवर्सिटी। ले लिए हो ना? हाँ तो लिया गया। मीटिंग एंड कर दें? तो और क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स और आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। स्टूडेंट्स क्लास आया कीजिए, अब क्लास बहुत कम है, आप लोग आइए। ओके सर। सर वैक्सीन सर्टिफिकेट कर दिया गया है सर। कौन सा सर्टिफिकेट? कोरोना वैक्सीन वाला। अभी मैसेज आया ग्रुप में। सब लोग वैक्सीन लीजिए और क्लास आने का प्रयास कीजिए। नहीं लेना सर वैक्सीन। ये तुम कब ले? इसको एंड करें मीटिंग को। हाँ सर कर दीजिए, क्या दिक्कत? एक मिनट रुको, अभी एक फोटो हो रहा है, बैठो कैमरा चल रहा है, बैठो। हो गया था भाई, ठीक है। नाउ आई एम एंडिंग माय मीटिंग। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यूर स्टूडेंट्स।